हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल का माई लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज रीजनिंग के क्लासिफिकेशन की तीसरी क्लास है और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो शब्दों पर आधारित प्रश्न होते हैं, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको किस तरीके से हम पहचानते हैं। उसमें हमने आपको दिखाया था कि अगर जानवर है तो जानवर में कितनी श्रेणियां होती हैं। जैसे कहा गया था कि स्तनधारी जो जानवर होते हैं उसकी श्रेणी से भी प्रश्न उठाया जाता है। फिर उभयचर के आधार पर भी आपके प्रश्न बनते हैं, उभयचर में वे आते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं। फिर मांसाहारी और शाकाहारी पे भी प्रश्न बन सकते हैं, जिसमें तीन शाकाहारी जानवर के नाम होगा और एक मांसाहारी जानवर का नाम होगा, उसको आपको पहचानना होता है। तो एक शब्दों में अगर क्लासिफिकेशन को समझना है तो बस आप इतना समझिए कि आपको एक समूह मिलेगा जो किसी न किसी तरीके से चार नाम एक ही जाति से जुड़े होंगे, लेकिन जो चौथा नाम होगा उसमें थोड़ा सा माइनर तरीके से वो अलग होगा, चाहे वो छोटे रूप में ही थोड़ा सा गुण उसका अलग होगा और उसी को आपको पहचानना होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का हम आज एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने शब्द आपको बता रखा था कि कितने प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे और पहचानेंगे कि उसे किस तरीके से हम सॉल्व करें कि एग्जाम्स में हम अपने उत्तर को आसानी से पहचान सके। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन समझते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या होता है। तो कम से कम 10 से 20 एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमारा क्लासिफिकेशन चैप्टर आसानी से शब्द पर ना फंसे। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो रहेगा आपका वो वर्णों पर आधारित रहता है। तो पहला हम लिखते हैं कि एग्जाम्पल आपको पहचानना होगा, बस समझिए कि कैसे हम पहचाने। तो जैसे हम लिखते हैं मानव के बाद पहला मानव हो गया, दूसरा भैंस, और तीसरा हो जाएगी आपकी गाय, और चौथा हो जाएगा मानव, भैंस, गाय, और एक हम लिख देते हैं शेर। अब इसमें समझिए, हमने चार नाम आपको दिया है, ये ए नाम हो गया, ये बी नाम हो गया, ये सी नाम हो गया और डी नाम हो गया। अगर एक तरीके से अगर इसको पहचानना है तो पहला हम ये देखेंगे कि जो मानव है, भैंस है या गाय है और शेर है, हम एक सेकेंड मानव को थोड़ा हटा देते हैं, थोड़ा इजी तरीके से आप समझेंगे। तो भैंस की जगह पे हम बकरी लिख देते हैं। ठीक है, ये मानव की जगह हमने बकरी लिख दिया। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया बकरी, दूसरा भैंस, तीसरा गाय और चौथा शेर। ये चारों एक तो जानवर है, जानवर तो है, और जानवर में किस प्रकार की जानवर है, स्तनधारी जानवर हो गया, स्तनधारी। अब स्तनधारी जो दूध देते हैं, अब इनके साथ साथ इनको हमें अगर यूनिट पहचान तो इस तरीके से देखा गया कि ये तो चारों एक ही वर्ग के हैं क्योंकि जानवर है, लेकिन जानवर में इनमें डिफरेंट पहचानना है। तो डिफरेंट को आप कैसे पहचानेंगे, जैसे शेर जो होता है वो जंगली जानवर है और ये तीनों क्या है, ये पशु होते हैं जिनको हम पालते हैं। तो ये जो तीन हो जाएंगे ये तीनों आपके पालतू में आ गए, और चौथा जो हो गया ये जंगली हो गया। तो क्लासिफिकेशन क्या होगा, क्लासिफिकेशन हम करेंगे कि जंगली वाले को अलग कर देंगे। ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। दूसरे एग्जांपल को देखते हैं, दूसरा एग्जांपल में आपका हो जाएगा बांसुरी, समझिएगा, बांसुरी के बाद तबला, फिर गिटार, एक वायलन। अब देखिए इसमें हमने चार लिख दिया, बांसुरी ए नंबर पे है, बी नंबर पे आपका तबला हो गया, फिर गिटार को ले लिया जाए तो सी नंबर पे गिटार, और वायलन है वो डी नंबर पे। ठीक है, अब इसमें आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा जो है वो अलग है। ये चारों जो है वो वाद्य यंत्र होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको इसमें से पहचानना है कि कौन जो है वो अलग होगा। है तो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सारे वाद्य यंत्र हैं, लेकिन इनमें जो सबसे अलग है वो क्या होगा, ये जो देखिए तबला जो होता है या गिटार होता है या वायलिन होता है, ये तीनों हाथों से बजाए जाते हैं, लेकिन जो बांसुरी होती है वो मुख से बजाई जाती है, मुंह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, वो बांसुरी हो जाएगी। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। तीसरा एग्जाम्पल आपका महीनों का नाम से हमने बताया था कि महीने से भी उठता है, इसकी कोई रेंज होती नहीं है, जितने लेवल से आप सोचेंगे उस लेवल से। अभी हम कहें कि तीन प्रधानमंत्री का नाम लिख दे, जैसे कि आपका माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए,
इस तरीके से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम शामिल कर लें और चौथा नाम दे दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उसमें से आपको छांटना होगा कि कौन अलग होगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके अलग हो जाएंगे। तो इसका कोई रेंज नहीं है। अभी हमने बताया कि तीन खिलाड़ी का नाम दे दें, तीन खिलाड़ी आपके तीनों क्रिकेटर खिलाड़ी हों और एक फुटबॉल का खिलाड़ी का नाम हो, तो उस तरीके से फुटबॉल वाला अलग हो जाएगा। तीन फुटबॉल खिलाड़ी हों, एक क्रिकेट का खिलाड़ी हो, तो उसको आप अलग करेंगे। तो इसका कोई रेंज नहीं है, बस हम ये देखते हैं कि किसी भी तरीके से हम यूनिकली उनको आइडेंटिफाई करें जो कि उस वर्ग के हों लेकिन कुछ अलग हों। ठीक है, जैसे भी समझते हैं हम। अभी महीनों के नाम पर हम आपको बताते हैं, जैसे कि हो जाए आपका अप्रैल, अप्रैल होता है, मार्च होता है, जनवरी, और जनवरी के बाद अगस्त। ठीक है, हम इसको ए लिखते हैं, बी, सी और डी। पहचानना है किसमें से कौन सा अलग होगा, कौन क्लासिफाई होगा इसमें से। हमारा चारों जो है वो महीनों के नाम है, एक वर्ग के हैं, लेकिन वर्गों में भी हमें थोड़ी सी विभिन्नता होती है, उसी को पहचाना जाता है। तो हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप देखें कौन 30 का है, कौन 31 का है। अप्रैल जो होता है वो 30 महीने का होता है, मार्च की बात करें तो मार्च आपका 31 का होता है, जनवरी भी 31 की होती है, और अगस्त भी आपका क्या होता है, 31 का ही होता है। अगर कैसे पहचानेंगे, तो हमने आपको हैंड बताया था, हैंड के रूल से, कि ये जो ऊंचा वाला ऊपर वाला होता है उसको हम कहते हैं 31, और जो नीचे वाला होता है उसको 30 का मंथ। तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त हो गया, तो अगस्त भी आपका 31 हो गया, तो कौन इसमें क्लासीफाई होगा, वो आपका अप्रैल का महीना हो गया। ठीक है, अब चलते थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। ये तो ईजी था, आसानी से आपने समझ लिया, और एग्जाम्पल्स को देखते हैं जो कि क्लासिफिकेशन के शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम से पूछे थे। तो आपको बेसिकली हमने पहचानना सिखाया, तो कुछ लेवल बढ़ा के लेते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में रखें कि काजू, बादाम और अखरोट, समझिएगा, काजू, बादाम, अखरोट और अनार, ठीक है, ए ऑप्शन, बी, सी और डी, ये आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप पहचानिए इसको कौन सा अंतर होगा, इसमें कौन सा अलग होगा, क्योंकि ये भी फल का नाम है, ये भी फल है, ये भी फल है और ये भी फल है। ठीक है, जो अनार है वो क्या है, वो हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि काजू, बादाम और अखरोट ये तीनों सूखे फल में आते हैं, कितना दिन भी रखेंगे नुकसान नहीं होने वाला, 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना ऐसे करके। लेकिन जो अनार है वो आपका रसदार फल, गीले फल में आता है, तो इसलिए इसको हम अनार को अलग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अनार आंसर हो गया। ठीक है, ये फल का हमने सूखे फल और रसदार फल पे डिवाइड कर लिया, क्लासिफिकेशन का ये एग्जाम्पल हो गया। अगर हम एग्जाम्पल में ले लें कि जैसे कि हम ग्रह पर ले लें, ग्रह जो होते हैं, तो ग्रह में कौन कौन से होते हैं, ग्रह, ग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं, जैसे ग्रह उपग्रह को पहले आप समझिए, ग्रह में होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी। देखिए ग्रह की बात करें तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और चंद्रमा, हमने लिख दिया ग्रहों के नाम। तो यहां पे ये ए हो गया, बी, सी और ये रहा डी। ऑप्शन कैसे पहचानें कौन सा आपका आंसर होगा, तो जो बुध है, शुक्र है और पृथ्वी है, ये तीनों क्या है, ये तीनों ग्रह हैं, और जो चंद्रमा है वो उपग्रह है। ग्रह उपग्रह का डिफिनेशन क्या होता है, ग्रह का जो उपग्रह होता है वो परिक्रमा करता है, उपग्रह जो होता है वो ग्रहों की परिक्रमा करता है। ठीक है, तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है और बाकी तीनों ग्रह है, तो यहाँ पे उपग्रह को आप अलग कर लेंगे, चंद्रमा हो गया। ठीक, और नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये तो समझ में आया कि हमने फल के बेस पर देख लिया, फल के बाद हमने ग्रहों के बेस पर देख लिया, अब हम अगला देखना चाहते हैं कि कुछ मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड देखते हैं। तो सब्जेक्ट में आपका हो जाएगा, जैसे समझिएगा, रेखा गणित, रेखा गणित, फिर अंक गणित, फिर त्रिकोणमिति, त्रिकोण मितीय, और इसके बाद हम लिख देते हैं हम गणित, ऑप्शन ए, बी, सी
और डी। अब इसमें से क्लासिफिकेशन करना आपको कौन सा आपका आंसर होगा, यूनिट तो होगी, वर्ग होगा एक ही, लेकिन उस वर्ग के अंदर आपको पहचानना है कि कौन थोड़ी सी भिन्नता वाला गुण रखता है, कौन थोड़ा सा डिफरेंट क्वालिटी रखता है, उसी को आपको पहचानना होता है। तो जैसे देखा हमने रेखा गणित, अंक गणित, त्रिकोणमितीय और गणित, ये जो चारों सब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट तो आपका गणित है, समझिएगा आंसर कैसे पहचानना है। ये जो रेखा गणित है वो गणित का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, अंक गणित भी गणित का एक पार्ट है, त्रिकोणमिति भी एक मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है, और इन ये तीनों पार्ट किसके अंदर आते हैं, मैथमेटिक्स यानी गणित के अंदर आते हैं। तो गणित के ये तीनों पार्ट है, तो इसलिए कौन अलग हो जाएगा, वो गणित। आपका आंसर कौन हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया चंद्रमा, इसमें आंसर आपका था, इसमें आपका अनार था। तो इस तरीके से हमने देख लिया थोड़ा सा सब्जेक्ट पर भी, इसी तरीके से क्लासिफिकेशन का कोई रूल नहीं है। अभी हम आपसे पूछें कि फिजिक्स, समझिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद हम लिख देते हैं मैथमेटिक्स, और यहां पे लिख देते हैं जियोग्राफी। आपको अलग करना है ए बी सी और डी, आप किससे अलग करें तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये तीनों सब्जेक्ट हैं वो साइंस साइड के मैथमेटिक्स, मैथ साइड के लिए होता है, जो कि आप ट्वेल्थ में पढ़े होंगे कि जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो क्या है, साइंस साइड के बच्चों के लिए होता है, और यहाँ से ट्वेल्थ में आपकी जियोग्राफी क्या होती है, अलग हो जाती है, तो जीएस का एक पोर्शन होता है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप पढ़े होंगे मात्रक और राशियां, राशि और उनके मात्रक पढ़े होंगे, अगर आप टेंथ में पढ़े होंगे तो भी आप पढ़े होंगे, ट्वेल्थ में भी अगर साइंस होगा तो आप पढ़े होंगे। तो जो मात्रक होता है और राशि जो होती है उसके आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उपकरण होते हैं, उपकरण से भी प्रश्न उठते हैं। जैसे आपको समझाया जाए कि हम यहाँ पे लिखें कार्य, समझिएगा कार्य ऊर्जा घनत्व और यहाँ पे किलोग्राम की ग्रा या किलोग्राम, किलोग्राम आपको समझना है, ये कार्य हो गया, ऊर्जा घनत्व और की ग्रा यानी किलोग्राम, तीनों चार हमने नाम दे दिया, चारों भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के ये पोर्शन है, फिजिक्स के कुछ पार्ट हैं, इनको समझिए। जो कार्य होता है वो क्या है, एक राशि है, ऊर्जा भी एक राशि होती है, घनत्व तो भी एक राशि होता है, लेकिन जो किलोग्राम है वो क्या है, ये मात्रक है, किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, द्रव्यमान का यह एक मात्रक है किलोग्राम, तो द्रव्यमान का ये हो गया मात्रक, लेकिन ये तीनों राशि थी, द्रव्यमान भी एक राशि है लेकिन राशि का मात्रक कौन हो गया, किलोग्राम। तो इस तरीके से किलोग्राम एक मात्रक है, बाकी ये तीनों राशियां थी, इसलिए हमने क्लासिफाई कर लिया किलोग्राम को, ठीक। अगले पे अगर हम समझें तो अगली टॉपिक जो है वो हो सकती है वाद्य यंत्र, तो हमने देख ही लिया, शाखा देख लिया विज्ञान की शाखा, अगर आपको देखना तो सब्जी पर भी आधारित हो सकता है प्रश्न, सब्जी में आप कैसे देखेंगे, सब्जी में क्लासिफिकेशन करना हो तो हम आपको बताते हैं, पहले दिन भी टमाटर, गोभी, गोभी के बाद मिर्च, मिर्च के बाद आलू, टमाटर गोभी मिर्च आलू, ए ऑप्शन, बी सी और डी, किसको आप अलग करेंगे, अलग कौन होगा इसमें से, चारों सब्जी है, ये एक वर्ग है, लेकिन वर्गों में भी डिफरेंट होता है, अगर पहचानना है तो आलू जो होता है उसको ध्यान दीजिए, आलू जो होता है वो जमीन के अंदर फलता है, जमीन के अंदर इसकी उपज होती है, एक जो मिर्च होता है गोभी होती है और टमाटर, ये तीनों कहाँ उत्पन्न होते हैं, जमीन के बाहर उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि फल पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगला माँ अभी हमने देख लिया, शरीर के अंगों के बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, पहचानिएगा, नाक, कान, आंख, आंख हो गया, और हम एक लिख लेते हैं हाथ। अब पहचानिए इसमें, ये हो गया ए बी
सी और डी, आप इसमें क्लासिफाई करिए कौन सा है। तो इसमें देखिए नाक, कान, आंख और हाथ, ये तीनों की बात करें तो जो नाक होता है वो आपका संवेदी अंग कहलाता है, कान भी आपका संवेदी अंग कहलाता है, आंख भी आपका संवेदी अंग कहलाता है, लेकिन हाथ जो होता है वो हाथ संवेदी अंग की कैटेगरी में नहीं आता। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट करते हैं, देखिएगा हम आंख को गायब कर देते हैं और हाथ आपका रह जाएगा तो कैसे होगा, अभी आप हम हृदय लिख देते हैं, हृदय सी। अब हो गया नाक, कान, हृदय और हाथ। अब इसमें आप किसको क्लासिफाई करेंगे, तो क्लासिफाई करने के लिए देखिए ये जो नाक है बाहरी अंग है, कान आपका बाहरी अंग है, हाथ भी आपका बाहरी अंग है, लेकिन जो हृदय है वो क्या है, आंतरिक अंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर अब क्या होगा, वो हृदय आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया हृदय, यानी कि हमने शरीर के पार्ट्स के आधार पर देख लिया। इसका हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इसका कोई रेंज नहीं है, प्लस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि सार जब भी क्लासिफिकेशन का कोई भी चैप्टर का कोई भी प्रश्न हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये राशियां जो होंगी या जो चारों नाम होंगे वो एक ही वर्ग के होंगे, बस एक उसमें से जो होगा उसमें से वो क्या होगा, माइनर तरीके से छोटे से लेवल पे भी वो क्या होगा, अलग होगा, और वही आपका आंसर होता है। तो आज हमने ये क्लास जो बनाया वो शब्दों पर आधारित प्रश्न जो पार्ट थ्री था, यहाँ से हम क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं। कल हम क्लासिफिकेशन के चौथे पार्ट पर चलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो वर्ण होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच जो होते हैं इनके लेवल पे कौन से प्रश्न उठते हैं, और वो जो होता है एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन के चैप्टर से एक प्रश्न जरूर आता है आपके एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दें, एस एस सी सी जी एल हो, सी एच एस एल हो, यूपीएसआई हो, या फिर आप किसी भी लेवल का एग्जाम दो, वन डे एग्जाम कोई भी कॉम्पिटिशन का हो, तो उसमें क्लासिफिकेशन का एक चैप्टर का एक प्रश्न आपको मिलेगा। इस तरीके से क्लासिफिकेशन का शब्द का टाइप आपने पढ़ लिया, कल आपका वर्ण का टाइप चलेगा। ठीक है, तो वर्ण के टाइप के लिए आप तैयार रहिएगा, अपने किताब के क्लासिफिकेशन को क्वेश्चन को आप सॉल्व करना प्रयास करिए, देखिए आपके सारे प्रश्न ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़े तो डायरेक्ट एडमिन पे मैसेज करिएगा, आपके प्रश्नों का रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।